देख रहे हो कैसे कैसे राइडर सब है, ये लोग बदनाम हो जाता है, बदनाम करता है यही लोग। बांध के निकला हुआ, चल हम कहीं ले जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबनी बाइकर। तो भाई इधर लगी हुई अपनी लैला, देख सकते हैं यहाँ ये अपनी लैला इधर, और इधर सामने रखी हुई है यहाँ, तो इधर रखी हुई है बुखारी की बाइक, देख सकते हो। तो भाई अभी पिछले दो दिन से अपना एक्सीडेंट हो रहा, देख सकते हो। एक दिन अपने साथ हो गया R15 से, जो कि आप लोग वीडियोज़ में देखोगे, उसके कल होकर के हो गया बुखारी की KTM से। तो आज इसका थर्ड डे है, आज चलते हैं, होपफुली देखेंगे आज अच्छे से राइड वाइड करेंगे भाई, क्योंकि अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम खराब चल रहा है, बिना बाइक के बिना ट्रैवल के तो कुछ हो नहीं पाता। तो चलते हैं, अपना एक दोस्त भी आया हुआ है, दिल्ली से भी आया है, वो आप लोग जानते होंगे, व्लॉग में देखते हो मेरे, पिछले काफ़ी सारे व्लॉग में वो रहा है। चलते हैं अभी उससे मिलते हैं फिलहाल, और KTM को छोड़ दिया अंदर, चलते फिलहाल अपनी लैला को लेकर के, चलते लैला को लेकर के बुखारी को, उसके बाद फिर लेके निकलते यहाँ से शंकर चौक पर, वो दोस्त आकर के रुका हुआ है वहाँ से, उसके साथ कहीं का प्लान है। चलते मिलते फिर आगे जाके बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो भाई बाइक लगा के अपना घर पे, अभी हम बुखारिया आ गए हैं, निकल रहे कहीं के लिए, और ये चेक करो कौन है अपने साथ। हाय गाइस, तो भाई अकेला आ गया दिल्ली से, तो अभी आ गया मिलने के लिए, निकल रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से मधुबनी से जा रहे हैं थोड़ा मिथिला हाट, ये कॉल किया भाई आओ चलते हैं। तो अभी हम हैं बुखारी है, साथ में अकेले हैं दो और भाई इधर, तो चलते हैं यहाँ से अभी मिथिला हाट की तरफ। और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दिए थे जाने का, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किए तो जाके फॉलो कर लो, यहाँ पर आईडी आ रहा हो नीचे में, वहाँ अपडेट कर देते जब भी जहाँ आते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई बाद में आने के लिए, तो जब हम लोग जाते हैं तो स्टोरी लगा ही देते हैं ऑलरेडी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा करो सही रहेगा। चलते हैं फिलहाल मिथिला हाट और मिलते हैं वहाँ। टैक्सी दिखाते हैं, एक छपड़ी राइडर को दिखाते हैं, बुखारी का भाई है ये, देखो रुको एक मिनट दिखाते हैं, अभी एक राइडर गुजर रहा है हम लोग के बगल से, देखो हीरो हीरो देख रहे हो कैसे कैसे राइडर सब है, ये लोग बदनाम हो जाता है, बदनाम करता यही लोग। हेलमेट लगाए हुआ सिर्फ बिना किसी सेफ्टी गियर के, अरे ऐसे सोया हुआ रोड पे, बताओ अपने तो जाएगा ही, दूसरे को भी लेके जाएगा ये लोग। भाई इस तरह से जो है ना, तो भाई इस तरह का एक्टिविटी नहीं क्या करो हाईवे पर अगर आप लोग जाते हो, तो क्योंकि इसमें क्या है ना कि तुम तो जाओगे ही, तुम्हारे साथ साथ दूसरा भी जाएगा। तो भाई पहुंच गए हम लोग फाइनली, मम्मी पहुंच गए मिथिला हाट, बिया करवा दिए, आप तो ही जाएगा बेटा। तो भाई ये पार्किंग देख रहे हो, जिस टाइम से हम लोग आना स्टार्ट किए थे उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ना एंट्री गेट था सिर्फ, ना एंट्री फीस लगता था, ना पार्किंग था, कुछ नहीं था, गाड़ी सीधे अंदर घुसा दो। अभी देख रहे हो पूरा पार्किंग बना दिया एकदम मस्त से, पार्किंग पे लाइनिंग वगैरह सब कर दिया। तो चलते हैं अंदर, अब भीड़ देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा, देखो तो इतनी ज़्यादा फैमिली आई हुई है, क्योंकि जो भी कार से ज़्यादातर फैमिली आते हैं, हम ही लोग इंशाल्लाह सब आ गए हैं। बिना फैमिली कैसे पहुंच जाते जहाँ था। वह अभी हम लोग हैं मिथिला हाट के अंदर में, और यहाँ सामने रहा इस साइड इसका गेट, एंट्री गेट इस साइड है, वहाँ सामने इस साइड पार्किंग रहा, वहाँ से ऐसे एंटर करके हम लोग यहाँ आए हैं। तो इधर देखो क्या, यहाँ इस साइड है भंसाघर, तो अभी अंदर गए हुए थे, बट यहाँ पे क्या है ना कि जो नाश्ता का टाइम है शाम का, लिट्टी चोखा वगैरह वो सबका, वो 5 बजे से स्टार्ट होता है, 4:30 बजे, अभी लंच का टाइम है, हम लंच करके आए थे जिस वजह से नहीं रुके, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी, टेबल वगैरह खाली नहीं, तो आधा घंटा में फिर चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि अंदर में क्या सब है। देखो ऐसा कुछ लुक है इसका, तो गाइस आज है 22 तारीख और हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था अप्रॉक्स 10 तारीख को, तो 10-11 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो है ना ये माइक जो होता है हेलमेट का, इसका ये पिन लगता है, ये माइक यहाँ तक है, ये पिन जो है ना गोप्रो में लगाने के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो ये टूट गया था उस दिन एक्सीडेंट में, पता नहीं ये गोप्रो जो है ना मुड़ करके ऐसे शायद, और ये टूट गया था, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी दिन से ब्लॉग सब नहीं आ रहा था, उसका यही रीज़न था कि हम लोग ऐसे भी मोटो ब्लॉग बनाते हैं, मोटो ब्लॉग के लिए भाई हेलमेट का सेटअप जरूरी है, तो हेलमेट सेटअप था नहीं अपना कंप्लीट, और यहाँ जो है ना ये पिन मिलता नहीं ऑफलाइन मार्केट में, जिस वजह से ऑनलाइन किए थे, तो एक हफ्ते बाद आया था, तो अभी आ गया, तो आज के बाद से ना रेगुलर ब्लॉग वगैरह आएगा, फिलहाल चलते हैं इसको लगाकर चेक करते हैं अभी कैसा आवाज़ आता है गोप्रो से। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मोटो ब्लॉग सेटअप में, और अभी आप लोग बताओ कमेंट करके कि आवाज़ ठीक है कि नहीं, और इससे आगे वाला जो ब्लॉग आएगा ना थोड़ा ठंडी कम होता है 2-3 दिन में, तो अच्छा अच्छा ब्लॉग सब लाएंगे।
आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखना, तो थोड़ा चैनल पे सपोर्ट बनाओ और थोड़ा शेयर वेयर करके अपने 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ भाई। 5000 का बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आ गए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।